भी आराम से बैठ मम्मी पापा का है मम्मी पापा का है वाराणसी में बाढ़ को लेके स्थिति जो है वो काफ़ी अब नियंत्रण में आ गई है। जो पानी है रात को 10 बजे से स्टैग्नेट हो गया है और अब आज दोपहर के बाद से पानी घटना शुरू हो जाएगा। हमारे वाराणसी में 19 कैंप चल रहे हैं जिसमें करीब 3800 लोग रह रहे हैं। इन्हीं की व्यवस्थाएं यहाँ पे लगातार की जा रही हैं। अभी यहाँ भोजन वितरण हुआ है। इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ देखने के लिए सभी अधिकारी हम लोग भ्रमणशील रहते हैं, उसी के अंतर्गत यहाँ पर व्यवस्थाएँ देखने के लिए आए हैं। कुल मिला के काफ़ी अच्छी यहाँ लोगों का सहयोग भी है और काफ़ी अच्छा जो प्रशासनिक जितने भी विभागों के लोग लगे हैं उनका भी कार्य है और किसी प्रकार की दिक्कत किसी भी यहाँ कैंप में जो लोग रह रहे हैं उनको देखने में सामने नहीं आई। इसी प्रकार से हमारी कोशिश है कि कहीं भी आवश्यकता जिस भी चीज़ की हो वो तत्काल वहाँ पहुँचाई जाए। जनप्रतिनिधिगण भी सारी जगह घूम घूम के हमारी ड्राई राशन किट का वितरण कर रहे हैं। अधिकारी भी ऐसे घरों में वितरण कर रहे हैं जो घर के लोग बाहर निकल के नहीं आ पाए हैं। कैंप में जो लोग रह रहे हैं इनको भी घर जाते टाइम ड्राई राशन किट वितरण कराई जाएगी। फिलहाल यहाँ पर जितनी इनकी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उनकी पूर्ति कराई जा रही है। हाँ सर, मुख्यमंत्री जी का भी आगमन क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर कोई सूचना नहीं है। वाराणसी में अभी तक मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम आज प्रस्तावित नहीं है। कभी भविष्य में कोई भी कार्यक्रम अगर होगा तो जानकारी दी जाएगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।